स्मृति विकास के लिए हम स्मरण शक्ति का विकास कर सकते हैं। थोड़ी सी देर 5-10 मिनट तो, क्योंकि हमारे बहुत ताकत, कल मैंने ये बताई थोड़ी गलत थी, उसमें लिखा है कि 1,05,00,000 किलोमीटर लंबी डिजिट याद कर सकता है हमारा मस्तिष्क। 1,05,00,000 लंबी डिजिट आप लिखे, 5, 6, 7 ऐसे लिखते चले जाएं, 1,05,00,000 किलोमीटर, इतनी लंबी डिजिट हमारा मस्तिष्क याद कर सकता है, इतनी क्षमता है। हम 1% भी काम नहीं लेते हैं उसका, सोया हुआ है, उसको जगाया ही नहीं। यदि आप 7 वर्ष तक, क्योंकि मैंने इसका अभ्यास किया है थोड़ा थोड़ा, यदि आप 7 वर्ष तक लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें, तो आपके ब्रेन पावर बढ़ता है, निश्चित रूप से आपका बहुत ब्रेन पावर बढ़ सकता है। तो ये हम ब्रेन स्मरण मेमोरी पावर कैसे बढ़ सकते हैं, इसके मैं कुछ प्रयोग बताऊं, लेकिन घटते क्यों ये भी आप समझ लो कि बहुत अधिक फ्रीज का जो लोग खाना खाते हैं ना, उससे मेमोरी घटती है। बहुत अधिक वायुवर्धक जितनी भी चीजें हैं वो सब हमारी मेमोरी को डाउन करती है। तो आचार्य हरिभद्र का, हेमचंद्र जी का बहुत मेमोरी पावर बहुत तेज था, तो गुरु ने सोचा इतना मेमोरी काम की नहीं आज के युग में, तो उन्होंने उनकी मेमोरी को डाउन करने के लिए 10-11 चीजें खिलाई। मुझे 2-3 याद है उसमें से, योग शास्त्र कभी किसी ने पढ़ा हो तो उसमें लिखा हुआ है। उसमें एक मतीरा था, एक उड़द और ऐसी कुछ चीजें ऐसी थी, और वो सब चीजें मैं जैसा समझ सकती हूँ, वो सब गैस्ट्रिक, जितनी भी गैस्ट्रिक चीजें हैं वो क्या होता है, वायु मस्तिष्क में जाती है और हमारी मेमोरी पावर को डाउन करती है। तो बहुत सारी चीजें हमारी मेमोरी, मैंने बताया ना कि जितनी भी फ्रिज की चीजें, बहुत अधिक फ्रिज का पानी, फ्रिज की चीजें, तो वो हमारे मेमोरी को थोड़ा डाउन करती है। बर्फ बहुत अधिक खाना, हर चीज में बर्फ मिला के खाना, तो ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक, अभी पता नहीं चलता है लेकिन आगे जाके हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी असर पड़ता है। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं बुढ़ापे के, यानी मेमोरी पावर को डाउन करने के, लेकिन आप कुछ कुछ, जैसे कोलेस्ट्रॉल, धमनी में कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाता है, उससे भी अंतर पड़ता है। हमारा मन जितना अधिक चंचल होता है, हमारी मेमोरी पावर उतनी ही कम होती है, क्योंकि वो पकड़ ही नहीं पाते। मेमोरी पावर जितना कंसंट्रेशन, उतना ही मेमोरी पावर, और कंसंट्रेशन नहीं होता है, हमारा मन चित्त चंचल होता है, तो हमारे सामने घटित घटना हमको ध्यान नहीं पड़ती है, घटित हो गई और हमको पता नहीं चलता है। तो हमारे, या फिर कोई व्यक्ति हमेशा अतीत में रहता है या भविष्य में रहता है, उसको पता ही नहीं चलता वर्तमान क्या हो रहा है, उसको याद नहीं रहता है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बहुत अधिक खट्टी वस्तुएं खाने से, खट्टी अम्ल, जितनी खट्टी वस्तुएं भी हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती है, गले को प्रभावित करती है और मस्तिष्क को भी प्रभावित करती है। इसलिए बहनों को तो खाना ही नहीं चाहिए, बहनों को ज्यादा खट्टी चीजें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनके शारीरिक बनावट के लिए बहुत अधिक खट्टी चीजें हमारे आंखों के लिए भी अच्छी नहीं है और हमारे नर्वस सिस्टम के लिए भी अच्छी नहीं है। तो खट्टी चीजें भी, चिड़चिड़ापन होता है, कब्ज होता है, आलस्य होता है, ये सब हमारे मेमोरी पावर को डाउन करते हैं। लेकिन आज चूंकि हमारे पास इतना ही समय है, मैं आपको कुछ प्रयोग बताती हूँ मेमोरी पावर को बढ़ाने के। पहला सबसे पावरफुल प्रयोग है महाप्राण ध्वनि। जैसे भंवरा श्वास लेकर, भंवरा जैसे आवाज करता है वैसे श्वास को निकालना है। आप मेरे साथ, मैं पहले एक बार करके दिखाती हूँ, फिर आप करना। जीव अधर में रहेगी, दांत थोड़े खुले हुए रहेंगे, श्वास भरें और भंवरे की तरह आवाज निकालें। बार महाप्राण ध्वनि। अने एक बहन ऐसी थी जिसको हमेशा क्लास में फेल हो जाती थी, और उसको महाप्राण ध्वनि उसने की, टॉप आ गई, टॉप कर दिया उसने। इतने उसके मस्तिष्क के, महाप्राण ध्वनि से हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स जागते हैं, कनेक्शन बनते हैं उसमें। जितने अधिक कनेक्शन बनेंगे, मेमोरी पावर उतना ही बढ़ जाएगा। इसीलिए
आप महाप्राण ध्वनि पहला प्रयोग, दूसरा प्रयोग है त्राटक का, वो किसी गुरु किसी के निर्देशन में करना चाहिए, लंबा करना हो। त्राटक का मतलब है जैसे आंख को बिल्कुल स्थिर करना ही, जैसे पलक झपकनी नहीं चाहिए जितनी देर तक कर सके, पर बहुत लंबा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे ऊर्जा और गर्मी बढ़ती है, लेकिन इससे हमारा मन कंसंट्रेट होता है और ऊर्जा बढ़ती है, तो मस्तिष्क भी हमारा एक्टिव हो जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा प्रयोग है त्राटक का, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं करना चाहिए। तीसरा है याद रखने के लिए हमको लिंक बना देते हैं ना। एक बार हम आसाम में सिलचर में मैं कहीं गई और एक बहन मेरे पास में आई, ऐसे तो मुझे नाम बहुत कम याद रहते, यहाँ तो मुझे कुछ कुछ नाम याद है, नाम मुझे याद कम, मैं ध्यान ही नहीं देती, ज़्यादा नाम पे ध्यान नहीं देती, मैं चेहरे से पहचानती हूँ। तो एक बहन आई कि महाराज मेरा हाथ पकड़ के बोली इसको क्या कहते हैं महाराज, तो मैंने कहा इसको रेखा कहते हैं। तो महाराज आपको पता है मेरा नाम रेखा है, अब मैं उसको जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती क्योंकि उसने लिंक कर दिया, कभी भी मिलेगी तो मुझे याद रहेगा कि वो रेखा है। समझ गया, किसी के साथ आपने लिंक कर दिया, कहानी बना दी या कुछ लिंक कर दिया, आप नहीं भूलेंगे। आपको जो चीज बहुत याद करनी है आप उसके साथ लिंक कर लीजिए। आप जैसे आज मैंने लिंक तो कर लिया था, मैं आज घूमने के लिए बाहर निकल गई, बाहर निकल गई तो मैंने सोचा मैंने लिंक भी कर लिया था इनके बाहर की जो है ना वो काला काला पत्थर लगा हुआ है, लेकिन मुझे मुझे पता नहीं चला कि मैंने सीधी सीधी दूसरी गली ले ली। अब मैं आप सोचो पौन घंटे से ऊपर बाहर घूम रही हूँ और मुझे पता ही नहीं चल रहा है घर कहाँ है, बड़ी समस्या हो गई। मैंने कहा घर पहचान नहीं आ रहा था मुझे घर, क्योंकि काला पत्थर दिखाई नहीं दे रहा था, मैंने दूसरी गली ले ली थी। और मैंने एक भाई से पूछा भाई 16 नंबर, बोले 16 नंबर भी मुझे पता चला, लेकिन उस गली में वो काले पत्थर नहीं थे तो घर, और यहाँ लंदन में तो किसी का घर खटखटा भी नहीं सकते। मैंने सोचा सुंदर भाई के घर चले जाए 55 नंबर में, बाई चांस कोई दूसरी गली है और इनका घर नहीं हो तो कोई डांट सकता है। उसने कहा मुझे आप मोबाइल नंबर दे, उस भाई ने कहा मुझे मोबाइल नंबर दे दो मैं फोन कर देता हूँ। मैंने कहा हम तो मोबाइल नंबर रखते नहीं है। फिर आखिर वो कितनी देर के बाद में ये दिखाई दिए, ये इन्होंने मुझे देखा और मैं उधर घूम ही रही थी, मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने दूसरी गली ले ली है। तो बहुत बार हम लिंक नहीं जोड़ पर, अन्यथा हमेशा मैं अमेरिका में जहां भी घूमती थी तो मैं हमेशा तीन घर इधर और तीन घर इधर, कभी साथ वाले समझ बाहर नहीं निकलते, मेरा फिक्स था कि इधर निकलना है। लेकिन हम लिंक नहीं बनाते हैं तो कभी क्या होता है बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो हम लिंक बना दें कि उसके साथ हमको याद रहे, एक बात हमको याद रखने के लिए, क्योंकि बहने घर में कितनी चीजें रखती है, यदि आप उसी जगह रखोगे ना तो आपको याद रहेगा, उसी जगह आपने रखी है आपको पक्का याद रहेगा। जैसे टिकट रखने का मेरा स्थान एक ही पक्का है कि जब भी कोई टिकट होती है तो मेरा स्थान है कि मुझे टिकट वहीं रखनी है। एक बार मेरे साथ 7-8 टिकट होगी, आगे से आगे बना के दे दी मुझे तो नियोजक एजेंट, तो मैंने वो एक ही स्थान रखती हूँ, नहीं तो अपन कागज कहीं इधर उधर रख देते, याद नहीं इतने कागजों में कहीं पे भी हो जाए। तो आप कुछ चीजें जो आपको हमेशा चाहिए उनको आप फिक्स स्थान रखें तो आपको याद ही रहेगा कि नहीं ये चीज रखने की स्थान ये है और मुझे याद रहेगा, तो आपने नहीं तो भूल जाते हम फिर याद नहीं रहता है। स्मृति संग स्मृति को बढ़ाने के लिए आप कुछ हार्ड वर्क करें मस्तिष्क के लिए। क्रॉसवर्ड होते हैं ना बहुत सारे, क्रॉसवर्ड बनते हैं ना बहुत सारे, जिसे कहते हैं क्रॉसवर्ड पजल्स, हाँ, पजल्स है, कुछ ना कुछ सीखते रहे तो लिंक बनता है। अभी मोबाइल ने सबको जंग लगा दिए, कोई याद ही नहीं करता है। अरे पुरानी वाली बहने पढ़ना नहीं जानती थी, एक एक शब्द लेके भक्तामर सीख लेती, 10-10, 15-15, 20-20 थोकड़े याद कर लेती थी, और अभी हम सब जानते हैं तो भी अभी कोई कह दे तो याद नहीं होता है। तो आप अपने कमरे किचन में बहनी क्या करें, एक लाइन लिख ले, आज की एक लाइन याद हो जाएगी आपको, लिख के रख दे, अब चलते फिरते करें आपको याद हो जाएगी। मस्तिष्क को एक्टिव रखने के लिए आप कुछ न कुछ एक्सरसाइज मस्तिष्क की करें, याद करते रहें। The two ways of keeping your main, my brain active. आज आपको 5 से 15 का गुना करना है आप मोबाइल करेंगे, और पुराने जमाने के लोग लाखों के डिजिट को बिना किताब के बिना पेन पेंसिल के गुना कर देते थे, उनकी ऐसी ताकत थी और कर देते थे। हमारे यहाँ एक आचार्य हुए यशो विजय जी, इतनी मेमोरी पावर उनका कि 50 कटोरियां रख दी और 50 की आवाज एक बार सुन लेते थे,
लास्ट में उनकी आंखें बंद होती थी, कोई भी कटोरी बीच में आवाज की वो बता देते ये 40वीं कटोरी की आवाज है, ये 30वीं कटोरी की आवाज है, ये 25वीं की आवाज है, क्योंकि आप कोई भी कटोरी की आवाज सेम नहीं होगी। जैसे हमारे अंगूठे का कोई भी निशान सेम नहीं होता है किसी का, इसीलिए तो अंगूठा लगाते हैं, नहीं तो फिर एक सेम हो जाए तो मुश्किल हो जाए। तो हमारा मस्तिष्क एक्टिव कब रहता है, जब हम उसको यूज करते हैं, कनेक्शन बनते हैं, कनेक्शन बनाते रहना चाहिए। बहुत सच सोचते हैं तो फिर कनेक्शन बनने बंद। न्यूरॉन्स एक बार, क्यों भी डॉक्टर साहब कुछ एरिया जी जानते हैं, एक बार न्यूरॉन्स मर जाता है तो फिर बनता नहीं, कोशिका बनती है लेकिन न्यूरॉन्स हमारे मस्तिष्क के चले जाते हैं तो बनते नहीं है। इसलिए ज्यादा टेंशन करोगे तो क्या होगा, स्मरण शक्ति डाउन हो जाएगी। इसलिए हम अपने मस्तिष्क को बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी स्मरण शक्ति, एक लॉन्ग टर्म स्मृति रखनी होती है हमको लॉन्ग समय के लिए, उसके अलग उपाय करेंगे। एक शॉर्ट टर्म उसको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हम बिना मतलब की बातें दिमाग में डाल लेते हैं जिससे हमको कोई मतलब ही नहीं। मुल्ला जी ने कहा अरे सेठ जी आम आए हैं, उसने कहा मुझे क्या, जिसके भी आए हैं उसको देख लेगा। उसने कहा नहीं आप क्या है कि तुझे क्या, तू क्यों चिंता करता है, मेरे आम आए मेरे पास आ जाएंगे, मैं अपना करूंगा। यानी दूसरों की चिंता बहुत नहीं करोगे तो भी चेंज होगा हमारे मेमोरी पावर पे। और एक सही घटना मुझे एक भाई ने बताई कि वो जैसे यहाँ भी लकड़ी के मकान होते हैं तो पहाड़ों पे लकड़ी के मकान होते हैं, और एक आदमी ऊपर नीचे की मंजिल पर रुका हुआ था होटल में, तो उसको ऊपर से आवाज आई कुछ उतारने गिरने की। उसने सोचा ऊपर वाला आदमी ने एक जूता तो उतारा लेकिन दूसरा जूता उतारने की आवाज नहीं आई, कहीं उसका हार्ट फेल तो नहीं हो गया, कहीं उसको नींद तो नहीं आ गई, कहीं उसको क्या। अरे सोचने सोचने में उसने आधे घंटे, अरे आपको क्या मतलब है कि उसके उसने जूता उतारा या नहीं उतारा, किसकी बेटी ने क्या किया, किसके बेटे ने क्या किया, या किसके घर में क्या हुआ, हम क्यों बिना मतलब की चिंता करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हो जाता है, यहाँ तो नहीं होता है, इंडिया में ज्यादा होता है। इंडिया में अनावश्यक महाराज के यहाँ मिल जाते हैं ना तो बातें शुरू होती है तो पूरी चलती जाती है और हम अनावश्यक दिमाग में घुसाते जाते हैं। तो मेमोरी बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कुछ चीजें। आप में एक प्रैक्टिकल प्रयोग है स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, कान सबसे बढ़िया चीज है। कान को धीरे धीरे आप देखिए नीचे खींचेंगे आप ऐसे। पुराने जमाने में कुछ गलती होती तो कान खींचते थे ना नींद उड़ाने के लिए। ये देखिए आप कान को ऐसे खींचिए, आप जोर से मत खींचना भैया ऐसे, हाँ देखिए ऐसा लोअर पार्ट ऑफ, हाँ फिर बीच का you pull in the middle towards the side and upper part finally upper part. Up towards up फिर upper part। और कभी कभी आप ये प्रयोग करें, ये भी बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल लास्ट कान का लास्ट, उसको जोर से दबाएं आप, ये हमारे स्मरण शक्ति का बहुत बड़ा आने। या चिमटी लगा सकते हैं आप, कपड़े सुखाने वाली होती है ना, like a pinch kind of thing at the lower most thing। और एक उपाय जो मैं भी करती हूँ कभी कभी, जो फर्स्ट मेमोरी के लिए, आप ये हमारी जीभ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जीभ के आगे का भाग आपको दांत से बिल्कुल बिल्कुल लास्ट भाग प्रेस बिटवीन द टीथ प्रेस, समझे आप। दिस इज आल्सो गुड एक्सरसाइज व्हेन यू डोंट वांट टू से समथिंग, जीभ के आगे का भाग जस्ट होल्ड योर वर्ड्स। How long for? थोड़ी सी देर, 5 या 10 बार आप करें, समझे आप। जीभ के आगे का भाग आप इसको करेंगे तो इससे भी, एक मंत्र मैं आपको लिख के दे देती हूँ, वो स्मरण शक्ति का फर्स्ट मंत्र है। आप कभी भी कोई नया काम करें, ओम नमो श्रुति स्मृति मति बुद्धि अवधारणी, आई राइट इन इंग्लिश, पहले हिंदी इंग्लिश दोनों लिखते हैं। ओम नमो श्रुति स्मृति स्मृति स्मृति, इतने छोटे लिखोगे तो नहीं होगा। ओम नमो श्रुति,
Om Ramo Shruti Smriti Mati Buddhi Avadharini Swaha. So I'll just repeat two or three times so you'll get it. Om Ramo Shruti Smriti Mati Buddhi Avadharini Swaha. Om Ramo Shruti Smriti Mati Buddhi Avadharini Swaha. मैं सोचती हूँ ये पांच चार पांच मंत्र है ना ये आपको कल आपको दिखा देंगे आप ओम नमो श्रुति स्मृति मति बुद्धि अवधारिणी हैं सेवन टाइम जब भी आप याद करना शुरू करें सेवन टाइम आप अच्छा अगला आप मेरे साथ बोलेंगे ऐं नमः ऐं नमः ऐं नमः सरस्वती का बीज मंत्र है ऐं 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 नमः ए पर मात्रा ऐं नमः ऐं नमः यस इट्स लाइक ये देखिए ऐं ए पर मात्रा और बिंदी ऐं नमः ऐं नमः ऐं नमः ऐं नमः या फिर ऐसे बोलो Om Aing Om, 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 Om Aing Om. Agla Namo Nanas. Namo Nanas. बोल सकते हैं Namo Nanas. बुद्धि बढ़ाने के लिए Namo Nanas. अगला प्रयोग है आप झुक कर बैठोगे तो स्मरण शक्ति कम हो जाएगी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए और जिन लोगों ने एक वर्कशॉप लिया है पूरा एक तीन घंटे का हुआ था कि हमारी रीढ़ की हड्डी और गर्दन कैसे सीधी होनी चाहिए इसके बारे में हम आपको क्योंकि आज बहुत समय कम रहा है तो आप सीधे बैठने का अभ्यास करें ये भी बहुत जरूरी मस्तिष्क को एक्टिव रखने के लिए सीधे बैठने का अभ्यास करें ओम की ध्वनि करें अभी ये हमारे बार बार कह रहे हैं सालीभद्र चलाओ मैं सालीभद्र चलाती हूँ दीर्घ श्वास का अभ्यास करें सर्वांगासन स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा उपाय है और मैं सोचती हूँ हर व्यक्ति को जिनको कोई है ना कमर की प्रॉब्लम नहीं है उनको सर्वांगासन जरूर करना चाहिए क्योंकि ये मेरा अनुभव है सर्वांगासन कैसे कर सकते हैं आप हम सोकर हमारा पूरा शरीर ऊपर उठता है ये नीचे इतना रहता है बस इतना बॉडी ऑन योर शोल्डर्स बेसिकली लिफ्टिंग योर लेग्स अप फर्स्ट हिप पार्ट लिफ्टिंग अप टू द डिग्री वेयर योर मतलब ये पैर पूरे पैर यहाँ तक पूरा ऊपर उठता है सर्वांगासन तो हमारा सारा मस्तिष्क का खून खून मस्तिष्क में जाता है शशांक आसन ये उन्नत प्रज्ञा जी करके दिखाएंगे आपको शशांक इज रैबिट पोज आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो रैबिट शशांक आसन आप जानते हैं ना सब शशांक आसन स्मरण शक्ति के विकास के लिए बहुत अच्छा बच्चों को आप रोज कराएं ये बहुत अच्छा यू सिट इन डायमंड पोस्चर वंदना आसन एंड देन बेंड योर हेड डाउन एंड टच योर हेड टू द फ्लोर दैट इज रैबिट पोज इट्स वेरी गुड फॉर दोज हु हैव हाइपरनेस और एंग्जायटी इट काम्स अस डाउन बिकॉज़ इट गिव्स अ प्रेशर ऑन द एडरेनल ग्लैंड हां तो और भी बहुत हो सकते हैं लेकिन अब हम लोग हुआ ऐसा कि थोड़े बहुत सारे लोग नए हैं राजगृह नगरी में कुछ व्यापारी आए और उनके साथ में 16 रत्न कंबल थी कंबल